तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल सेपरेटर के बारे में। ऑयल सेपरेटर किन कंपोनेंट का ये बना होता है और ये काम क्या करता है? तो ऑयल जो सेपरेटर है, हम इसका डिस्कस कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन यूनिट्स के लिए। रेफ्रिजरेशन, जो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन मशीन होती हैं, जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, उनके अंदर ही यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि इसको नाम दिया गया है, ऑयल सेपरेटर, यानी कि ये ऑयल को अलग करने के काम आता है। कौन सा ऑयल? देखिए, ये लगा होता है हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में लगा होता है। कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में लगा होता है। तो कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में लगा होने के कारण ये क्या करता है, जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर क्या करता है, जब कंप्रेसर कंप्रेस करता है जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको, तो क्या होता है, जब वो उसको आगे भेजता है, तो उसके साथ जो हमारा जो कंप्रेसर है उसके जो सम्प के अंदर ऑयल होता है, उसको भी रेफ्रिजरेंट के साथ आगे भेज देता है। तो कुछ रेफ्रिजरेंट जो है वेपर के साथ मिक्स होके, वेपर रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स होके आगे चला जाता है। तो यहाँ से देखिए, ये जो है यहाँ पे ये चला जाता है, ये है जो लाइन दिखाई गई है, जो आउटलाइन है ये कंडेंसर पे जा रही है, तो टू कंडेंसर जा रहा है। तो कंप्रेसर से इसमें आएगा, यानी जो कंप्रेसर है वो जब पंप करेगा या हम कहें कंप्रेस करेगा, तो जब वो पंप करता है वेपर रेफ्रिजरेशन, जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है या कहें कि रेफ्रिजरेंट है, तो उसके साथ हमारा जो उसके सम्प में ऑयल है वो आगे जाएगा। जब वो ऑयल आगे जाएगा और कंडेंसर पे अगर हम डायरेक्टली उसको भेज दें, तो वो फ्लो में रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है, जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है, तो एफिशिएंसी पे उससे फ़र्क पड़ता है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऑयल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। देखिए, कंप्रेसर से जो वेपर आएगा, इसके अंदर क्या होगा, वेपर प्लस ये कुछ ऑयल के पार्टिकल्स भी होंगे। अब देखिए, हम इसको दे देते हैं इसके अंदर। अब ये जो डिस्चार्ज लाइन है वो यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ से वो एंटर करेगा, ये फ्रॉम डिस्चार्ज लाइन, यहाँ से ये एंटर करेगा और हाई वेलोसिटी जो वेपर है प्लस जो ऑयल है, ये वेपर प्लस ऑयल है, यहाँ से ये मूव करेगा। अभी हाई वेलोसिटी पे है। देखिए, जो ऑयल के पार्टिकल हैं वो हैवी होते हैं, वो हमने इसको इस तरह से पाथ दे दिया। अब जैसे ये मूव करेगा, हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो जो वेपर्स हैं वो इस तरह से बचकर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हाई वेलोसिटी पे हैं, और एकदम से वो ऊपर जाएंगे जैसे ही इस पैसेज से निकलेंगे, और ये यहाँ से कंडेंसर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इनके अंदर जो ऑयल के पार्टिकल हैं, जो इनके साथ ऑयल के पार्टिकल हैं वो हैवी हैं, तो वो जैसे ही इस पाथ के थ्रू गुजरेंगे, तो वो क्या है, बाई ग्रेविटी वो यहाँ पर फॉल करना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पर ये यहाँ पर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लगा है ये फ्लोट, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा ऑयल है वो इकट्ठा होता रहेगा नीचे, इसके यहाँ पे फ्लोट लगा है। जैसे ही रिक्वायर्ड लेवल यहाँ पे ऑयल का आएगा, तो यहाँ से जो ये फ्लोट है ये मूव करता है, जैसे रिक्वायर्ड लेवल आता है, और ये फ्लोट वाल्व ओपन हो जाता है, और जो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ऑयल है उसको कलेक्ट करने के बाद उसको बॉटम में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है क्रैंक केस में। क्रैंक केस में यानी कि जहाँ पे हमारा कंप्रेसर लगा है उसके नीचे जो सम्प लगा है उसके अंदर चला जाता है, और इसको वहां पे फिर वर्किंग के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जो ऑयल सेपरेटर है वो काम करता है। जो वेपर है वो हाई वेलोसिटी वेपर यहां से ऊपर चले जाते हैं, और जो ग्रेविटी के कारण जो ऑयल है वो हैवी है, यहां इकट्ठा होता रहता है। यहां फ्लोट वाल्व के थ्रू ऑयल जब कलेक्ट हो जाएगा, जो फ्लोट वाल्व के थ्रू उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है क्रैंक केस के अंदर। तो ये था ऑयल सेपरेटर रेफ्रिजरेटिंग, जो कमर्शियल यूनिट्स होती हैं, कमर्शियल रेफ्रिजरेटिंग मशीन्स होती हैं, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।